हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सो एवरीवन इज़ गुड। एंड जय जल का पेपर आपका अच्छा रहा, अच्छा गया होगा। जो भी है, सी पेपर के ऊपर डिस्कशन हम लोग नहीं करते। नेक्स्ट हम लोग, अब जो अपना नेक्स्ट पेपर है दैट इज़ व्हाट बेटा, आपका कंपनी लॉ। नेक्स्ट पेपर कौन सा है आपका? सीलो का नेक्स्ट पेपर है। अब कंपनी लॉ के लिए यार कुछ छोटी मोटी बातें जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। स्पेसिफिकली जो पहले एक ग्रुप यहाँ पे देना चाह रहा है, उस व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ जो सिर्फ एक ग्रुप दे रहा है, अभी दोनों ग्रुप के लिए अपेयर नहीं कर रहा है, एक ग्रुप दे रहा है उसकी मैं बात करूं, आपके पास टाइम है, कल की छुट्टी है आपके पास, परसों आपका कंपनी लॉ का पेपर है, तो किस तरीके से आपको टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, इफेक्टिवली किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए उसकी बात करें। तो आज आज आप क्या करिए, पहले पार्ट बी आपका जो है उसको कंप्लीट कर लीजिए। सोने के पहले आपका पार्ट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए आज। एनी हाउ, सोने के पहले आपका पार्ट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन मॉर्निंग, कल मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में आप पार्ट ए कंप्लीट कर लीजिए। लाइक आफ्टरनून मैं बोलूँ 2 बजे तक, है ना, 2 बजे तक, आफ्टरनून तक आप आपका पार्ट ए कंप्लीट कर लीजिएगा। थोड़ा सा फिर ब्रेक लीजिए, है ना, टेक अ ब्रेक, बिल्कुल ब्रेक बनता है, 1 आध घंटा आप पावर नैप ले लीजिए, सो जाइए। देन 3 to 5 के बीच में, 5 बजे तक आपका पार्ट सी भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। सर हम लोग अब रिवीजन किससे करें? वेदर वी शुड रीड द मॉड्यूल, आंसर इज नो। सर वेदर वी शुड रीड द मेन नोट्स, आंसर इज नो। अब आपको जो भी रीडिंग करना है वो आपके समरी नोट्स से करना है, जो आपने या फिर आपने जो हाईलाइट किया होगा पार्ट उससे आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। अब जो चीज़ें रिपीटेड है उसको नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे लगता है आपको बायबैक, बायबैक के अंदर हमें पता है कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो बायबैक की लिमिट, तो उस पर ज़्यादा फोकस देना है। हम पढ़ रहे हैं लेट्स से इशू ऑफ डीवीआर, तो उसका लिमिट है, उसकी कंडीशंस है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस देते हुए चलना है। फिर शाम में आपके पास, रात में मतलब, वापस अगर आप देखोगे तो सेम 5 बजे आप स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा ब्रेक लेके 5:30 को भी आप स्टार्ट करते हो, तो 5:30 to 9 के अंदर आप पार्ट बी एटलीस्ट हाफ क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। फिर 9 to 9:30 आपका डिनर वगैरह जो भी आप करते हो, हाफ एन आवर का आप डिनर ब्रेक ले लीजिए, 15 मिनट डिनर कर लीजिए, 15 मिनट थोड़ा सा लेट से कि जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। एंड 9:30 to 12:30 तक, 9:30 to 12:30 और 1:30 तक एक बार जो बचा हुआ पार्ट बी का पोर्शन है, करेक्ट है, रिमेनिंग पार्ट जो भी है पार्ट बी का वो कंप्लीट कर दीजिएगा। मतलब सोने के पहले आपका पार्ट भी दूसरे बार कंप्लीट हो जाना चाहिए, दूसरे बार आपका पार्ट भी कंप्लीट होना चाहिए। एंड फिर अगले दिन नेक्स्ट डे 2 बजे आपका पेपर है, तो एक बार पार्ट ए और पार्ट सी का रिवीजन करो। सो कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए 2 रिवीजन, ये टाइम में हमारा टारगेट होना चाहिए 2 रिवीजन। पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस करोगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब समझ लीजिएगा पार्ट बी तो पूरा ही का पूरा ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 2.2, 2.3, 2.4 इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम लोग अगर हम बात करें दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट, 5, 6, 7, 8, 10 एंड 12, ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर हो नहीं पा रहा है उसको मैराथन से कंप्लीट करिए, जहां पे आपको लग रहा है कि बोर हो रहा है उसको मैराथन से कंप्लीट करिए। ऑलमोस्ट 100% सिलेबस अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, ऑन द यूट्यूब, है ना, उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो 100% आपको क्या कर दिया, आप वहां पे जाके देख सकते हो। सर क्या अब हम लोग, क्या अब हम लोग पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन करें? एक बार ओवरव्यू कर लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू कर लो। ओवरव्यू मतलब लाइक लेट्स से एक दो पास्ट एग्जाम के जो आपके आंसर्स है, मतलब फिर आपके पास जो भी स्कैनर रहेगा, जो भी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन रहेंगे उसके आंसर्स भी एक बार देख लो, टाइम मिले तो। लेकिन फोकस अभी कहाँ पे होना चाहिए, कंसेप्ट पे होना चाहिए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमको लगता है अरे परसों पेपर है, आज आराम करेंगे, आज सो जाते हैं अच्छे से, और यहीं से आपका टाइम पास होना स्टार्ट होता है और आपकी कनेक्टिविटी नहीं बैठती है। तो ये 2 दिन हमारे इसमें बोलते हैं ये कत्ल की रात है, मतलब ये वो रात है जहाँ पे हमें हमारा इफेक्टिव 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 100% हमको देना है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करना है। आई थिंक सो आप लोग इस चीज़ को समझोगे एंड आप आपका 100% दोगे। सो विश यू ऑल द लक, विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल इन द एग्जाम, जस्ट डू इट। 100% आपको पेपर क्या करना है, कंप्लीट करके आना है। 100% आपको पेपर कंप्लीट करके आना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। 100% आपको पेपर कंप्लीट करके आना है। सेकेंड थिंग, जो सबसे बेस्ट आंसर आपका है, जो सबसे बेस्ट आपको आता है क्वेश्चन, वो पहले अटेम्प्ट करिएगा, जो बेस्ट आता है वो पहले अटेम्प्ट करिएगा, करेक्ट है। इन छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे, पेपर डिस्कशन किसी के साथ नहीं करना है, आना है पेपर देके नेक्स्ट डे का पढ़ाई चालू कर देना है, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, बिल्कुल आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट जरूर आएगा, पेपर सबको बहुत बहुत आसान जाएगा, ऐसे मैं दुआ करूंगा, ऐसे मैं बिल्कुल प्रार्थना करूंगा भगवान से। सो लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।